दोस्तों मैं आज हूँ आकर एक्वेरियम में और आज मैं यहाँ पे बेटा फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए आया हूँ। न्यू आकर एक्वेरियम में हाल ही में बेटा फिश का एक सेक्शन इन्होंने बनाया है, आप देख सकते हो ये वो काफ़ी सुंदर लग रहा है और अलग अलग वेराइटीज़ के बेटा फिश है। यहाँ पे 100 से भी ज़्यादा बेटा फिश का कलेक्शन है और आपको जायंट बेटा भी यहाँ पे देखने के लिए मिलने वाला है, प्लकट बेटा भी है, समोरा बेटा फिश का भी स्टॉक है यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलने वाला है और काफ़ी सुंदर इस बार बेटा फिश का स्टॉक आया है। ये सारे में जितने भी सारे जो आपको मैं बेटा फिश अभी दिखा रहा हूँ ये सारे मेल्स है, फीमेल्स यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो आपको अलग अलग कलर्स में इस बार आपको बेटा फिश और देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों हम लोग वीडियो यहाँ से शुरू करते हैं, इनवाइट करते हैं हमारे वीडियो में बहुत ही फेमस पर्सन राजन सर। सो हमारे सामने है राजन सर जो आकर एक्वेरियम के ओनर है। सर काफ़ी सुंदर लग रहा है पीछे जो पूरा बेटा फिश का सेक्शन है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पे और हमारे व्यूअर्स भी अभी देख रहे हैं, सब बेटा फिश एक्टिव है, सब बेटा फिश जो है अच्छे से फ्लेयर कर रहे हैं हर एक दूसरे बेटा फिश को। तो सर अभी हाल में कितनी वेराइटीज है और कितने बेटा फिश का स्टॉक है? अभी 80 प्लस मेरे पास टैंक्स है बेटा फिश के लिए और ये आप जो देख रहे हो ना इसमें ऑलमोस्ट एक 100 फाइटर्स है। ओके, इसमें आपके हाफ मून्स है, फुल मून्स है, बाद में नीमो कैंडी है, बाद में आपके जो कि अभी स्टॉक मेरे पास सेकंड टाइम आ रहा है, यस समुराई बोलते हैं उसको। yes. इसमें अभी नेक्स्ट टाइम आपको एक ब्राउन समुराई भी देखने को मिलेगा जो और ये आपके ब्लैक समुराइज है। yes. बाद में जायंट भी फाइटर्स है आप देख सकते हो। तो लास्ट टाइम आपकी वीडियो में एक जन ने कमेंट किया था कि वो ग्राफ में क्यों रखते हैं, तो जनरली वो टाइम पे क्या था कि जो अपना ओल्ड शॉप था काफ़ी छोटा था तो स्पेस नहीं था, तो आप देख रहे हो कि इसमें काफ़ी है स्पेस दिया है मैंने। और एक्चुअली रूल वाइज कोई भी बेटा आपको रखना है तो आपको मिनिमम 1 लीटर पानी रखना पड़ता है, तो ये पानी जो है 1.25 लीटर के आसपास है। तो बेटर्स भी एकदम हैप्पी, आप देख सकते हो कि बेटर्स की कंडीशन है। yes. okay, एकदम परफेक्ट है क्योंकि मैंने उन लोगों को जो उनका रिक्वायरमेंट था वो मैंने ऑलमोस्ट 1.25 लीटर पानी दिया हूँ। yes. तो वो लोग भी कंफर्टेबल है और अच्छे से बेटा डिस्प्ले भी हो रहा है और पब्लिक को देखने भी अच्छे, और मेनली बेटर्स खुश है। yes. देख के मालूम पड़ता है कि दे आर कंफर्टेबल। ओके, क्योंकि मैंने उनका जो रिक्वायरमेंट था 1 लीटर अबो यानी मिनिमम 1 लीटर फुलफिल किया है, दे आर हैप्पी। That's why I was lucky कि मैं उनको जो मंगता था दे पाया, जो व्यूअर्स का कंप्लेंट था बराबर है उसको मैंने रेक्टिफाई किया। तो सर हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए, तो हम लोग फर्स्ट रो से हम लोग स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम लोग अलग अलग जो रोज है उसको कवर करते हैं बेटा फिश को। तो अभी दोस्तों हम लोग फर्स्ट बेटा कवर कर रहे हैं सर, ये काफ़ी जायंट में दिख रही है यहाँ पे। जायंट जायंट बेटा थे क्योंकि साइज ही जायंट देखिए मालूम पड़ता है। ओके, क्या साइज रहेगा इसका? ये ऑलमोस्ट 2 इंचेस प्लस है। अच्छा ओके, और इसका कॉस्ट है आपका 1250 रुपीज़ का पीस। अच्छा 1250 का पीस है, काफ़ी पीसेस है इसमें भी। यस यस यस, तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो जायंट बेटा फिश का स्टॉक यहाँ पे। सर अभी इसका स्टॉक आने लगा ना, अभी दोस्तों हम लोग सेकंड रो में आ रहे हैं। सर ये कौन से बेटा है? ये आपके सर फुल मून हाफ मून है। अच्छा, पब्लिक को कंफ्यूजन है कि फुल मून क्या है हाफ मून क्या है। अभी ये बेटा जो है ना, ये बेटा जो आप देख रहे हो ना ये फुल मून बेटा है। ओके, अच्छा, तो फुल मून का एक ही मीनिंग होता है कि डबल टेल, तो आप देख सकते हो जो डबल टेल बेटा है। ओके, हाँ, वो अभी ये डबल टेल बेटा है। ओके, यस यस, तो ये डबल टेल बेटा उसको फुल मून बोलते हैं, इतना ही फर्क है। पब्लिक खाली हाफ मून फुल मून करते बैठता है, हाँ, ये डबल टेल को एक्चुअली फुल मून बेटा बोलते हैं और बाकी जो बेटा है इसको हाफ मून बोलते हैं। अच्छा, ये हाफ मून है क्या? ये हाफ मून है, डबल टेल ही है। Yes, yes, तो डबल टेल बेटा जो है ना वो डबल टेल बेटा उसको ही आपको फुल मून बोला जाता है। ओके, बाकी तो हाफ मून होता है। सर इस रो पे कौन से बेटा फिश है? इसमें आप जो देख रहे हो ना इसमें हाफ मून्स है। हाँ हाँ, ओके, बाद में नीमो कैंडीज है। जैसे नीमो कैंडी है क्या? हाँ, ये नीमो कैंडी है। अच्छा, हाफ मून्स है। हुँ। बाद में ये आपका ब्लैक समुराई है।
अच्छा ये ब्लैक समुरा है ना, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। ब्लैक समुरा बेटा इसके ब्राउन भी आते हैं, तो ब्राउन अभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, इसके पहले ब्राउन आए थे मेरे पास। ब्लैक समुरा बेटा। तो इनका क्या सर क्या रेट है? जनरल जो हाफ मून जो है ना, ये आपके हाफ मून है, हाफ मून फुल मून जो है डबल हाफ मून बोलते हैं जैसे मैंने बताया मैंने, और हाफ मून जिसको, इसका रेट है 150 रुपए पीस। और आपके जो नीमू कैंडीज है, नीमू कैंडीज जो नीमू हाफ मून बोलते हैं ओके उसको, उसका रेट है आपका एक 500 रुपए पीस। अच्छा, और ये आपके बाकी जो बेटा है समुरा, समुरा एक 400 रुपए पीस। अच्छा अच्छा, ये भी आपका देखो ये हाफ मून कैंडी है, एक वाला पीस काफी सुंदर है, तेल काफी अच्छा है। फिर इसका कलर भी काफी अच्छा शो कर रहा है, नेमो कैंडी बोलते हैं, नेमो कैंडी में ना सर। अभी ये कौन सी बेटा फिश है? अरे को ये थोड़ा इसका अलग शेड लग रहा है। ये एक्चुअली ये आपका जो नेमो कैंडी में ही आता है इसको, वो जिन पांडा भी बोलते हैं। हाँ वही वही पांडा बेटा बोलते हैं इसको। यस यस यस, क्या जैसा दिखता है वैसा चलो नाम देके पब्लिक एक्चुअली इसका यानी नाम रखता है। जैसे कि बैंकॉक में फ्लावर आपको मालूम है कि फ्लावर को खाली ज़्यादा बड़े उसका बराबर है नाम हमारे हमेशा डिस्कस भी हो गया, एक छः महीने नाम बदले होते रहते हैं। यस यस, एक्चुअली सब नीमो कैंडीज है, ये यही है कैंडी बेटा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग शेड में भी बेटा फिश है, और काफ़ी जो रिक्वेस्ट आ रही थी हमारे जो व्यूअर्स है वीडियो के नीचे उनके कमेंट्स भी आ रहे थे कि बेटा फिश का जो स्टॉक है वो है क्या अभी आकर में, तो अभी है एट प्रेजेंट अच्छा स्टॉक है, तो एक बार आप विजिट कर सकते हो यहाँ पे। मैंने एड्रेस दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। शिपमेंट के लिए भी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है, तो सर शिपमेंट तो अभी फिलहाल तो पॉसिबल नहीं हो रहा है। मैं सोच रहा हूँ शिपमेंट करने के लिए, लेकिन कैसा है कि देखो मैं स्टॉकिस्ट हूँ ओके, तो जनरली क्या होता है कि काफ़ी सारे एजेंट्स मार्केट में अवेलेबल है, तो मैं एजेंट नहीं हूँ, तो मेरे पास जो भी फिश आपको मिलेगा कंडीशन मिलेगा, और मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक्चुअली ये मेरा हॉबी है, तो मैं नहीं चाहता कि इन बिटवीन जो ट्रांसपोर्टेशन में फिश को कुछ प्रॉब्लम हुआ, पैसा तो आते रहते जाते रहते हैं बराबर, इसके लिए मैं थोड़ा आगे पीछे हो रहा हूँ, लेकिन काफ़ी जन के काफ़ी रिक्वेस्ट है, तो मैं कुछ ना कुछ चालू तो पक्का जल्दी कर दूंगा, लेकिन मैं इतना ट्राई करूंगा सेफली वो आपके पास पहुँचे ओके, क्योंकि वो जो भी फिश है मेरे मेन सप्लायर से मेरे पास आएगा, बाद में मेरे ऑब्जर्वेशन रहेगा 4 से 8 दिन, उसके बाद में एंड कस्टमर तक जाएगा। जो पब्लिक बोलता है कि आकार महंगा है, तो आकार उसका ही पैसा लेता है फिश क्वारंटाइन का, आकार एजेंट नहीं है, आकार क्या करता है स्टॉकिस्ट है ओके, फिश लाके उसको 4 से 8 दिन उसको प्रॉपर क्वारंटाइन करता है, उसके बाद में बेचता है, उसका ही काफ़ी जन का कमेंट है कि महंगा है, महंगा तो रहेगा ही, आपको डायरेक्ट अगर माल मांगते सस्ता तो बोलो मैं बेच दूंगा, लेकिन आपको अभी बोलने का नहीं कि इसका कंडीशन नहीं है, इसका ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा रहता है। तो फिश का उसको ही क्वालिटी बोलते हैं, उसका ही कंडीशन बोलते हैं, उसका ही पैसा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग कलर में भी काफ़ी सुंदर बेटा है, काफ़ी अच्छा वाइब्रेंट कलर है वो दे रहे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो, किसी को अगर ब्लैक कलर में भी चाहिए तो वो भी बेटा फिश है। तो सर काफ़ी अच्छा स्टॉक है इस बार, फिर उसको मुंबई में हो तो आप विजिट कर सकते हैं यहाँ पे वापस, एक एक और एक 8 दिन में नया स्टॉक आ रहा है बेटा इसका। ये 15 दिन में ये आते रहेगा बेटा इसका स्टॉक। सर ये कौन सी बेटा है? ये भी कैंडी प्लकड़ है, एक कैंडी प्लकड़। अच्छा अच्छा, तो कैंडी प्लकड़ का भी दोस्तों अच्छा स्टॉक है, अलग अलग शेड्स में है, ये सारे हाफ मून है, तो नीचे भी देखो स्टॉक है, तो काफ़ी सुंदर स्टॉक है। मैं आपको ईच एंड एवरी जो बेटा फिश है आपको मैंने शो किया है यहाँ पे, अरे वो थोड़ा सा ज़रूर आप विजिट कीजिए आकर में। तो राजन सर काफ़ी अच्छा लगा इस बार आपके पास आके, और बेटा फिश का स्टॉक है वो कवर करके, जो कि बहुत महीने से बेटा फिश है वो कवर नहीं किया था, और राशन ने बोला भी था कि ये स्पेशली मैंने बेटा यस स्पेस रखा है, आइडिया सोच रहा था मैं, और एग्जैक्टली मैंने उसको जो मैं चाहता था वैसा ही हुआ है कि आप देख सकते हो कि बेटा इसके लिए मैंने इसके पहले बोला था कि मिनिमम 1 लीटर पानी मांगता है, उसका रिक्वायरमेंट है, तो अब 1 लीटर पानी है, 100 लीटर का पानी है, बेटा आर वेरी कम्फर्टेबल एंड हैप्पी, आप देख सकते हो। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट रहेगी हमारे व्यूअर्स को, हमारे हॉबीज को, तो ज़रूर वो विज़िट करेंगे, और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है,
तो एक बार आप गाइड करना जब वो कॉल करेंगे तभी। तो राजन सर अगेन आपका थैंक यू कि आपने अपॉर्चुनिटी दी बेटा फिश का स्टॉक है वो कवर करने के लिए। तो अभी आप भी मुझे अब इजाज़त दे दो इस वीडियो को एंड करने की। तो दोस्तों ये था वीडियो आकार एक्वेरियम का था, जिसमें मैंने अलग अलग वेराइटीज़ के बेटा फिश है वो कवर किए हैं, और मैंने सारी जो बेटा फिश की जो वेराइटीज़ अवेलेबल है वो मैंने आपको दिखाई है। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, 100+ बेटा फिश का स्टॉक है। तो एक बार आप ज़रूर विजिट कीजिए आकार एक्वेरियम में। अभी दोस्तों मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो को एंड करने की। मैंने डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट नंबर और एड्रेस मेंशन किया है आकार एक्वेरियम का, तो यहाँ से आप ज़रूर आप विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। टेक केयर एवरीवन एंड बाय।